जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। तो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया, अगर वो सच है एक व्यक्ति मर गया तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने हुंकार भरी है। उन्होंने सभी राजपूत समाज को आंख खोलने के लिए कहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लठैती कोई और करेगा और सीट कोई और ले जाएगा। उन्होंने कहा है कि लठैती आप लोग करेंगे लेकिन नेता कोई दूसरा बन जाएगा। उन्होंने सभी राजपूत समाज से आंख खोलने के लिए कहा है, जागने के लिए कहा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आप लाठी चलाएंगे लेकिन गद्दी किसी और को मिल जाएगी। उन्होंने हुंकार भरी है, जमकर वो बरसे हैं, आपको बता दें। और उन्होंने जो उस दिन विधानसभा मार्च हुआ था राजधानी पटना में, उस पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वहां पे बहुत सारे नेता थे लेकिन जो चोटें हैं वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को क्यों आई, और भी नेता को चोटें आ सकती थी। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनकी बात सुने। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। कल भी जब मार पड़ी न वहाँ विधानसभा के उसमें, हाँ जब मार पड़ी, कोई चौधरी जी, कोई सिन्हा साहब, कोई मोदी जी, कोई राय जी सामने नहीं आए। मैं जिन लोगों का नाम बता रहा हूं उसका टाइटल बता रहा हूं, कोई नहीं आए। तो जनार्दन सिंह जी को बड़ी मार लगी और कहते हैं एक आदमी मर गया, अगर वो सच है एक व्यक्ति मर गया तो मरने वाला कौन है? विजय सिंह। साथियों, लठैती कीजिए आप, नेता बनेगा चौधरी जी, राय जी, मोदी जी, देवी जी, प्रसाद जी, कटियार वाला, ये आंख खोलिए आप। हमारा रिश्ता जो बाबू साहब लोग उछल रहे हैं उनको मैं कह दूं, जब राम निकले थे तब भी हमको साथ दिया था पिछड़े दलित आदिवासियों ने, जब शिवाजी निकला तब भी उन्हीं दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने हमारा साथ दिया। जब महाराणा प्रताप निकला तब भी वही अल्पसंख्यक, वही दलित, वही पिछड़े, यही हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। इस जाल में फंस रहे हैं, सतर्क हो जाइए, यही हमारे स्वाभाविक मित्र सदियों से थे और सदियों से रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप आइए, हम लोग समाजवादी बैकग्राउंड के लोग हैं, हम जात पात नहीं करते, धर्म मजहब नहीं करते, लेकिन धार्मिक उन्माद जहां जहां चरम पर पहुंचा वो देश टूट गया है। जातीय उन्माद जहां चरम पर पहुंचा वो समाज टूट गया है। जर्मनी इसका उदाहरण है, उदाहरण है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और धर्म के आधार पर ही अगर एकता होगी तो फिर बांग्लादेश क्यों टूटा, ये मैं पूछना चाहता हूँ। उदाहरण है श्रीलंका जहाँ जातीय घमासान है, उदाहरण है ये आपका मन। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।